हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सेल के बारे में बताऊंगा। मैंने यहाँ पे सेल सिलेक्ट कर ली है और यहाँ पे मैंने इनको मर्ज कर दिया है। अब मैं यहाँ पे कंपनी नेम यहाँ पे डालूंगा, कंपनी नेम आकाश कोचिंग सेंटर। अब दोस्तों मैं आपको एक्सेल के होम टैब में क्लिप बोर्ड के बारे में बताऊँगा। अब ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ये सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे कट करूँगा। कट करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं, अब मैं पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद ये ऊपर से ही नीचे आ गया है और जो मेरा सेल है वो मर्ज ही आया है इसके साथ ही। अब दोबारा मैं कट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इस तरीके से ये कट ऑप्शन काम करता है। अब मैं आपको कॉपी करके दिखाऊंगा। ये देखिए, आप कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है तो ऊपर जैसे ही मेरा सेल और वैल्यू है वो सेम एज इट इज नीचे आ गया है। देखिए, अब दोस्तों मैं आपको झाड़ू का काम करके दिखाता हूँ कि झाड़ू किस तरीके से काम करती है। देखिए, अभी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और जैसे मैंने इसे नीचे पेस्ट किया तो हमारे सेल ही मर्ज होके आए हैं, ना कि हमारी वैल्यू जो कि हमने उसमें लिख रखा था। तो अभी मैंने कॉपी करके पेस्ट ही कर दिया नीचे। दोस्तों अब मैं आपको पेस्ट स्पेशल का यूज़ करना बताता हूँ। ये देखिए, मैंने एक टेक्स के साथ एक वैल्यू लिख दी है। अब जब मैं इसे कहीं पर भी कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ तो सेम एज इट इज़ यही वैल्यू नहीं आ रही है। ये देखिए आप, अब सेम एज इट इज़ दूसरे सेल में ये वैल्यू लाने के लिए अब देखिए हम इसे कॉपी करके कहीं भी पेस्ट कर रहे हैं तो ये आ नहीं रही है। दोस्तों हम इसे कॉपी कर लेंगे, जहाँ पे हमें पेस्ट करनी है वहाँ पर जाके हम यहाँ पे पेस्ट, देखो यहाँ पे भी पेस्ट कर रहे हैं फिर भी नहीं आ रही है। दोबारा कॉपी करके हम पेस्ट स्पेशल में जाके वैल्यू पर जैसे हम क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो सेम एज इट इज़ यही वैल्यू हमारी दूसरे सेल में आ जाएगी जहाँ पर हमें लेनी है। तो दोस्तों इस तरीके से होम टैब का क्लिपबोर्ड काम करता है।